ही में ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड माल्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच देखने भारत आए थे, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद भारत को निराशा का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वो भारत की सड़कों पर नींबू पानी और राम लड्डू का लुफ्त उठाते नजर आ रहे हैं। पर जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये है कि नींबू पानी और राम लड्डू के पैसे देते समय रिचर्ड माल्स यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ विशाल और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इंडिया का यूपीआई विदेशी मेहमानों और पर्यटकों के लिए सुविधा का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है। यूपीआई से पेमेंट करना अब फॉरेन नेशनल्स और एनआरआईस के लिए भी उतना ही आसान हो गया है जितना भारतीयों के लिए। दरअसल कोई भी फॉरेन नेशनल जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे वहां किसी भी इंडियन बैंक कियोस्क पर विजिट करना होता है, जैसे कि HSBC, HDFC या फिर पेटीएम, और वहां जाकर उसको जितने अमाउंट की जरूरत है उतना पे करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो $2500 पे करता है तो बैंक उसे फॉरनर के फोन में डॉलर के करंट वैल्यू के हिसाब से 20,800 कुछ रुपए का PPI यानी कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वॉलेट क्रिएट कर देता है, जिसके बाद वो किसी भी जगह UPI पेमेंट आसानी से कर सकते हैं, चाहे फिर वो शोरूम से शॉपिंग के लिए करना हो या किसी नुक्कड़ पर जलेबी खाने के लिए। ऐसे में पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां इतनी आसानी से आप कैशलेस पेमेंट्स कर सकते हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों में या तो कैश से पेमेंट होती है या फिर कार्ड, और यही कारण है कि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि भारत में जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो वो UPI पेमेंट यूज करता हुआ नजर आता है। तो भले ही क्रिकेट में भारत इस बार एक कदम से चूक गया हो, पर UPI का डंका इस वक्त पूरे विश्व में बज रहा है। ऐसे में तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया TV। धन्यवाद।